सूरा मेरे मज पम्मा डठण बिर मनी सिखा पधिंग समाधियानी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। मैं डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर, जनपद रामपुर, मंडल मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत से बोल रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आज मेरे को वी द पीपल में समर संघ का कॉन्सेप्ट देने के लिए गोल्डन रूल्स के बारे में दिया गया है, तो मैं बात करता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा साथियों को। साथियों की ये अक्सर क्वेरीज होती है कि आखिर ये इतने सारे संगठन है तो समर संघ क्यों, तो मैं उनकी जिज्ञासा को खत्म करना चाहता हूँ साथियों। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी टाइम हमारे देश में ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था, अग्नि का आविष्कार हुआ था, फिर धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ, फिर पहिए से मिलकर गाड़ी बनी, गाड़ी से मिलकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनी, और अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में भी आपकी मारुति ब्रेजा होते होते और मर्सिडीज और वैगनार और फरारी टाइप की गाड़ियां आने लगी। कहने का मतलब साथियों ये है कि जैसे जैसे समय बदलता है, समय के अनुसार चीजें बदलती जाती हैं, और हमें समय के अनुसार अपने आप को बदलना होता है, और हम यदि समय के अनुसार नहीं बदलते तो समय अपने अनुसार हमें बदल देता है। तो इसलिए समय के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है। दूसरा एक छोटा एग्जाम्पल ये कि यह है कि जैसे कि हम पहले 2G चला रहे थे, फिर 3G चला रहे थे, और फिर 4G और 5G में आ गए, और अभी अगर भारत से विदेश की बात करें तो वहां 7G चल रहा है। तो कहने का मतलब साथी ये है कि समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना ही बहुत जरूरी है, और जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे आप क्रांति नहीं ला सकते किसी भी क्षेत्र में। तो उसी प्रकार जैसे कि देखा गया कि हमारा जो समाज था, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 6,741 जातियों को एक जगह SC ST OBC में इकट्ठा करने का काम किया, और माननीय काशीराम जी ने उनको भी बामसेन के माध्यम से एक जगह पर लाने का काम किया। लेकिन जब एक जगह जब आए तो हमें कहीं ना कहीं सत्ता में भी स्वाद चखने का मौका मिला, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम एक हुए और सत्ता में आए, वैसे वैसे धीरे धीरे अपने लोगों की अभिलाषाएं बढ़ गई, लालच बढ़ गए, और अपने 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 आप में वजूद साबित करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े ना होकर अलग अलग खड़े होने लगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज में 29 लाख निष्क्रिय जो संगठन टोटल हो गए और 4 लाख सक्रिय संगठन हो गए, और जो हम लोग यूनाइट थे वो लगभग हम 29 लाख टुकड़ों में बट गए। और जिसका असर यह हुआ कि बाबा साहब ने इतने अथक प्रयासों के बाद हमें जो हक अधिकार दिलवाए संविधान के में, जो हमें हक अधिकार दिलवाए, जो वो सब हक अधिकार लगभग एक एक कर हमारे हाथ से छूटते चले गए, और आज की स्थिति है साथियों की, आज लगभग हर सप्ताह में एक ना एक अधिकार हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि भारत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1932 में जो कमनल अवार्ड लंदन से लेके आए थे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, उसको भी षड्यंत्र के तहत, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, षड्यंत्र के तहत उसको भी डाइवर्ट करने का काम कर दिया, और वो खाली कमनल अवार्ड ना लेकर पूना पैक्ट के समझौते के आधार पर वो हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, जो कि हमने नहीं मांगा था, उन्होंने हमें दिया है। हमें तो कमनल अवार्ड मिला था, सेपरेट इलेक्टेड का राइट्स मिला था, लेकिन उनको ये, कुछ लोगों को ये पता था कि सेपरेट इलेक्टेड का राइट्स यदि इनको मिल गया तो ये फिर सत्ता पे जल्दी काबिज हो जाएंगे, और फिर ये 85% जो समर संघ है ये समर संघ सत्ता में आ जाएगा, और जो बमण है जो 15% उनका क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने उस सेपरेट इलेक्टेड समय मिला था उसको विमुख करते हुए, वो हमारे छीनते हुए, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट का वहां पर राइट्स मिला, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट के राइट्स के चलते हुआ ये साथियों कि हमारे समाज के जो हमारा आरक्षण है, जो प्रतिनिधित्व है, वो तो हमें मिला पॉलिटिक्स में, लेकिन हुआ क्या कि हमारे समाज से नेता अभिनेता सांसद चुनके तो गए, लेकिन वो उन्होंने हमारे समाज का फायदा तो उठाया, लेकिन हमारे समाज की वहां पर बात रखने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो आते तो हमारे समाज से हैं, आरक्षण हमारे समाज से लिया,
सीट हमारे समाज हमारे प्रतिनिधित्व के आधार पर ली, लेकिन वहां उनके जो पट्टा डला था वो उस पार्टी का डला था जिस पार्टी से वो आते हैं। और साथियों जैसे कि आप जानते हो कि जिस कुत्ते के गले में जिसका मालिक का पट्टा होता है वो उसी की तरफ से भौंकता है, तो इस तरह से वो हमारे समाज के जितने भी जो लोग गए वो वहां पर संसद और विधानसभा में जाकर अपने समाज की बात ना रखते हुए वो जिस पार्टी से गए उस पार्टी की बात उसका एजेंडा रखने का काम किया और अपने समाज के काम रखने का नहीं किया। क्योंकि जो हमारे 141 जो सीट्स हैं उस पे अगर हमारे सभी बहुजन समाज के साथी एक मिनट के लिए भी सरकार से अपने आप को हटा के देखें तो कोई भी सरकार होगी वो बैकफुट पर हो जाएगी। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि आज 72 साल संविधान को लागू हुए हो गए और देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज तक हमारा जो समाज के लोग थे जो प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे वो आज भी एक मंच पर नहीं आए। और वो क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको मौके मिलते गए दूसरे पार्टियों के पट्टे डरते गए और वो उन्हीं के भाषा बोलने लगे और अपने हक अपने समाज को छोड़ने लगे, जिस कारण हमारे हक अधिकार जो हमारे हाथ में थे वो जाने लगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लगा कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसपे एक मंच पर सब लोग आ जाएं और एक ऐसा प्रेशर तैयार होना चाहिए कि सरकार चाहे किसी की भी हो लेकिन जो समर संघ यदि किसी बात को कहेगा या जो प्रेशर ग्रुप जिस बात को कहेगा वो विदिन अ डेज उसकी बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जैसे कि इस समर संघ का जो नेता है वो संविधान है और संविधान का बेस जो है प्रियम्बल है और जैसे कि उसमें दिया है वी द पीपल, हम भारत के लोग, तो जैसे जनता ही इसी संविधान की ताकत है और जनता ही लोकतंत्र की ताकत होती है और सब जनता से मिलकर ही हमारा समर संघ बना है, तो ये तभी हम ताकत में आएंगे जब हम इकट्ठे हो जाएंगे। तो जैसे समर संघ का मैं जो क्वांटम रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो साथियों समर संघ जो है वो एक ऐसा संघ है कि इसमें यदि हम आ गए तो हम विद इन अ डेज कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके 10 गोल्डन रूल्स हैं जो इसके बेसिक हैं, जिसमें नंबर एक है केवल समण। इसमें सिर्फ समानता की बात की जाती है, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं की जाती, इसमें कोई किसी स्तर की बात नहीं की जाती, किसी जाति की बात नहीं की जाती। इसमें जो भी व्यक्ति समानता में विश्वास करते हैं वो समण कहलाते हैं और वो इसमें आते हैं। नंबर दो, चंदा कभी नहीं। इस संघ में चंदा कभी लिया नहीं जाता, क्योंकि तो अक्सर देखा गया है कि चंदा अपने अकाउंट में 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ के आसपास इकट्ठा कर ले जाते हैं और करते करते 20-25 साल उनको हो जाते हैं, तो फिर वो हिसाब लगाते हैं कि अगर 20 लाख इस खाते में है तो मैं अगर दूसरे को मौका दे दूंगा तो इसका मालिक तो वो हो जाएगा। तो इसलिए ये चंदा जो है ये भी हमारे टुकड़े होने का कारण है, इसलिए समर संघ में कभी चंदा भी नहीं लिया जाता। बल्कि और उसके अलावा नंबर 3 है, जाति का अभ्यास कभी नहीं। जैसे कि तमाम हमारे संगठन आज जो जैसे कि 29 लाख संगठन है, इसमें से कम से कम कई लाखों संगठन हमारे जाति के आधार पर बटे हुए हैं और जाति के आधार पर बने होने के कारण हम लोग जातियों में बटे रहे और बटे होने के कारण आज भी इकट्ठा नहीं हो पाए और वो आज हम अपनी अपनी जातियों को गर्व से कहते हैं कि हम ये हैं कि हम वो हैं। तो इसलिए इस संघ में कभी जाति का अभ्यास नहीं होता, कभी किसी और चीज किस संघ का अभ्यास नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ समता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्वता का और न्याय का अभ्यास किया जाता है, जाति का अभ्यास नहीं किया जाता। नंबर 4, केवल संघवाद। इसमें सिर्फ संघ को ही इंपोर्टेंस दी जाती है, संघ के ही कॉन्सेप्ट को इंपोर्टेंस दी जाती है, कोई व्यक्तिवाद का इसमें कोई रोल नहीं होता। कोई कितना भी कद वाला व्यक्ति क्यों ना हो जाए उसको भी उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना कि एक सामान्य व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा। तो इसमें जो संघ का जो आदेश होता है जो वो ही सर्व को मान्य होता है, इसलिए इसमें हमेशा संघवाद रहता है, इसमें कभी व्यक्तिवाद या मैं की भावना कभी नहीं आती, इसमें हम की बात की जाती है। इसके अलावा नंबर 5 है, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। ना इसमें कोई पद होता, अक्सर देखा गया है संगठनों में पद होते हैं, राष्ट्रीय संगठन बना लेते हैं, राष्ट्रीय लीडर बन जाते हैं और उसके बाद वे अपने आप को इतना अहम और ईगो उनके अंदर आ जाती है कि वे अपने आप को सबसे ऊपर मानने लगते हैं और फिर वो अपने नीचे वाले साथियों को चीजें थोपते जाते हैं और चाहे वो उससे हमारे समाज का हित हो अहित हो उससे कोई मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ ये है कि उनका पर्सनल सिद्ध उल्लू कैसे सिद्ध होता है। तो इसको लेकर चलते हैं, तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं की जाती।
प्रतिष्ठा को भी इसमें कोई इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता। कोई व्यक्ति चाहे वो कितना छोटे स्तर का हो या कितने बड़े स्तर का हो, सबको समान स्तर पर रखा जाता है। मंच इसमें होता नहीं, इसमें या तो सभी कुर्सी पर बैठेंगे या सभी नीचे फर्श पर जमीन दड़ी पर बैठेंगे। इसमें सबको समानता के साथ ट्रीट करा जाता है। और माला कोई पहनाई नहीं जाती, क्योंकि माला जैसे कि 100 लोग हुए और उसमें 5 को पहना दो और क्या कहते हैं आप 95 को ना पहनाओ, तो उनको कुंठा डेवलप होती है, विकसित होती है, और जिस कारण वो गलत महसूस करते हैं। तो इसलिए इसमें इन चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है, न पद न प्रतिष्ठा न मंच न माला, ये है नहीं। क्योंकि ये जो समर संघ है ये किसी में भेद नहीं करता, किसी भी स्तर में ये सबको एक समान समझता है, और इसीलिए समर संघ है। इसके अलावा नंबर 6, पंजीकरण कभी नहीं। साथियों, पंजीकरण उस चीज का होता है जो किसी के अधीन आती है, और समर संघ जैसा कि आपको विदित है कि बुद्ध के काल से भी पहले का ये समर संघ है, और जैसे कि आपको पता है कि बुद्ध को भी जो पनिशमेंट दिया गया था संघ के अंतर्गत ही दिया गया था। तो संघ इतनी बड़ी ताकत रखता है कि एक राजा के बेटे को भी सजा दे सकता है। तो ये पूरे देश से भी बड़ा हुआ ये संघ है, और इस संघ जो इतना बड़ा होता है तो इस संघ का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो इसलिए संघ का रजिस्ट्रेशन कभी होता नहीं है साथियों। इसके अलावा 7 नंबर है, संघाधिदेश सबसे ऊपर। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो स्पोक्स साथी होते हैं उनका हाउस लगता है, और जो भी संघ के साथी या स्पोक्स जो उचित समझते हैं कि ऐसा कोई कानून आना चाहिए या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो उसके लिए हाउस लगता है। और हाउस में सारे जितने हमारे साथी स्पोक्स होते हैं वो प्रतिभाग करते हैं, और उसमें चाहे वो कोई छोटे स्तर का व्यक्ति हो या बड़े प्रतिष्ठा का व्यक्ति हो, जिसके द्वारा भी जो अच्छी बात कही जाती है और वो सबकी सहमति के साथ उसको सहमति दी जाती है, तो वो वहीं पर कानून बन जाता है और हमारे सभापति महोदय उसको अनुमोदन कर देते हैं, और वो संघ का आदेश हो जाता है, और जो संघ का आदेश वहां पर होता है वो संघ का आदेश सबको मान्य होता है। इसलिए संघ का आदेश हमेशा सबसे ऊपर रहता है, इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं आता, किसी मैं की भावना नहीं रहती, इसलिए संघाधिदेश सबसे ऊपर। नंबर 8, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। साथियों, ये संघ जो है समर संघों का संघ है, ये संघ इतना बड़ा है और इसका का जो कॉन्सेप्ट है वो समाज के हित के लिए ही काम करने का है। और आप समझते हो जैसा राजनीति है, तो राजनीति का एक उद्देश्य होता है कि वो किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद हर तरीके को अपनाकर वो सिर्फ सत्ता पे काबिज बना रहना चाहते हैं। और जबकि समर संघ का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वह चाहते हैं समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय डेवलप करने के लिए, एक अच्छा संघ तैयार करने के लिए, एक अच्छा देश तैयार करने के लिए काम कर रहा है। तो अगर इसलिए ये संघ जो है कभी राजनीति में नहीं जाता। इसके अलावा संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होती। साथियों, जैसे कि ये संघ के कॉन्सेप्ट है 10 गोल्डन रूल्स हैं, इसके अलावा भी समय समय पर जो भी संघ के द्वारा जो संघाधिदेश जो होते हैं उनको यदि कोई साथी हमारा वायलेंस करता है, कोई उसको उसके विरुद्ध काम करता है और उससे संघ को यदि कोई हानि पहुंचती है तो वो संघात की श्रेणी में आता है, और ऐसे साथी की फिर दोबारा से संघ में वापसी नहीं होती। इसी के साथ सबसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है नंबर 10, उपरोक्त 9 विनिमय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। मतलब साथियों, जैसे कि आपने देखा कि संविधान में जैसे प्रियम्बल होती है, और प्रियम्बल के नीचे जैसे लिखा होता है दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख इतने बजे इतनी तारीख को हम संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, उसी तरह से हमारा ये नंबर 10 है कि हमारे जो 9 बिंदु हैं, ये 9 जो गोल्डन रूल्स हैं, ये उपरोक्त को सब ये दृढ़ संकल्प होकर हम ये दृढ़ संकल्प होकर ये संकल्प लेते हैं कि ये नियम है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना मान्य किए जाएंगे। तो इस तरह से साथियों, 10 गोल्डन रूल्स हैं, ये इसका बेस है, और हमारा ये समर संघ का जो नेता होता है वो संविधान होता है और प्रियम्बल उसका बेस है, और उसके अलावा ये 10 गोल्डन रूल्स हैं, ये ना कभी बदले जाएंगे, और इसी के आधार पर हम ये मुहिम ये समर संघ ने, और इस समर संघ की हम सब एक होंगे, और ये इसका आधार है, ये आधार हम बना के रखेंगे तब हम निश्चित रूप से लिखेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जो जुड़े हैं वे ही जीते हैं, अभी जुड़ेंगे अभी जीतेंगे, 2 साल बाद जुड़ेंगे 100 साल बाद जीतेंगे, पहले भी जीते थे अब भी जीतेंगे, जुड़ो और जीतो। मेरा सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि हम लोग
अपनी कथनी और करनी में अंतर ना रखते हुए इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ईमानदारी से कथनी और करनी में अंतर ना करते हुए सिर्फ काम करने और जोड़ने का काम करने जिस दिन प्राप्त कर लेंगे और बिजनेस डेज प्राप्त कर लेंगे अगर आज ही जुट जाएंगे तो आज ही प्राप्त कर लेंगे। 2 अप्रैल 2018 की घटना इसका प्रमाण है साथियों कि जब हम जुड़े थे और एक दिन में हमने अपने हक अधिकार वापस कर लिया था और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था। तो इसीलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि हम सब जुड़े और हम जिस दिन जुड़ जाएंगे उस दिन कोई भी सरकार क्यों ना हो वो सब हमारे हक अधिकार वापस करने पड़ेंगे जो उसने ले लिए हैं। इसी के साथ मैं ज्यादा समय लेते हुए अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।